कहा है कि कल शिवजी के मंदिर में मिलना। बिल्कुल तुम्हारे सतीश का हमशक्ल लगता है, नहीं सावी? ये सतीश कौन है? I love you. You understand? I love you. जमन ठक्कर मुझे बहुत इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम अगर उससे समझाओ कि मैं किसी और को चाहती हूँ तो। सॉरी मानसी, इन सब बातों के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। बेकार के ईगो प्रॉब्लम ने तुम्हारे करियर को मिट्टी में मिला दिया है विशाल। पैसे कमाने के लिए या तो तुम्हें कोई दूसरा फील्ड ढूंढना होगा या फिर मुझे कोई दूसरी नौकरी। बुआ, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा श्यामू सारे मर्दों से अलग निकले। बहुत बढ़िया था आज का। अब याद आया, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि खाना खाते वक्त किसी के साथ बात नहीं करती। चलो ठीक है, बात न करने का एक बहाना और सही, नींद का बहाना तो है ही अपनी जगह। कल रात वाली बात अभी तक दिमाग से गई नहीं। कौन सी? वही सतीश वाली। तुमने फिर उसका नाम लिया श्यामू? क्योंकि तुमने याद दिलाया। वैसे ये सतीश करता क्या है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ओ, क्या हो गया था उसे? उसने खुदकुशी कर ली थी रेलगाड़ी के नीचे आकर। वैसे वो बहुत ब्रिलियंट लड़का था, हमेशा फर्स्ट आया करता था। उसे कविताओं का भी बहुत शौक था। वो कविता उसी ने मुझे गाकर सुनाई थी। कौन सी? वही, They are all gone away, the house is shut and still. ओह, वो कविता! मैं तो भूल ही गया था। बहुत जल्द वो कविता मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगा। इत्मीनान से श्यामू, क्योंकि अब मुझे उस कविता पर दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, उस वक्त मैं उस कविता को अधूरा ही सुन पाई थी, इसलिए सोचती हूँ कि वो कविता मैं एक बार पूरी तरह पढ़ लूँ। वो कविता अधूरी क्यों रह गई थी? क्योंकि जब वो मुझे गाकर सुना रहा था तो उसकी माँ ने सुना। उसके बाद तुम दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे। श्यामू, ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम बता रही हो। मुझे जो बताना था ना, मैंने बता दिया। एक आखिरी सवाल, क्या तुम उसे चाहती थी? उसे प्यार करना? उस वक्त मैं बहुत छोटी थी श्यामू, जस्ट अ स्कूल गर्ल। फिर भी उस उम्र में भी किसी पे दिल आ सकता है, कोई लड़का मन को उठा सकता है। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था श्यामू? क्या तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आई थी? क्या तुम किसी लड़की को? बोलो ना श्यामू। क्या बोलूं? लड़की ने तुमसे? क्या वेतु के सवाल पूछ रही हो सारी? अरे वाह,
कल रात से तुम मुझसे बेटे का सवाल पूछते जा रहे हो, उसका कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। शादी से पहले तो बहुत फिलोसफिकल अंदाज से कहते थे कि मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई वास्ता नहीं। तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? क्योंकि आज अचानक मुझे तुम्हारा वो पहलू दिखाई दिया है जो एक तंग दिल मर्द की निशानी है। तुम कहां से कहां पहुंच गई सावी? बुआ जी ठीक कहती थी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो सावी। तुम अगर इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होती रही तो मेरा तुमसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। आओ मेरे पास आओ। मुझे अचानक तुमसे डर लगने लगा। ऐसा मत कहो, आई लव यू सावी। तुम मेरी एक मर्द की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। वो अपना प्यार किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। लेकिन मेरे सतीश के साथ कोई... मैं सतीश की बात नहीं कर रहा हूं सावी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। मर्द के लिए एक औरत का स्थान वही होता है जो एक छोटे बच्चे के लिए खिलौने का। तुमसे कम्युनिकेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सावी। तुम्हें जो कम्युनिकेट करना था वो तुम कर चुके हो। सुषमा क्या है? कुछ पैसे हो तो देना। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं एक प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा हूँ, मेरी जेब में पैसे नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? इधर लाओ। बस सिर्फ 200 रुपए? ये तो मेरे पेट्रोल के लिए भी काफी नहीं है। पेट्रोल तो तुम भूल ही जाओ निशा, अब गाड़ी में घूमने के दिन गए हमारे। तो क्या मैं बस स्टॉप पर जाकर खड़ा रहूं? गाड़ी मेंटेन करने की जब हैसियत नहीं रहती तब लोगों को बस से ही जाना पड़ता है। लोग मुझ पर हंसेंगे सुषमा। फिल्म या थिएटर के सेट पर जब मिसबिहेव करते हो तब लोग क्या तालियां बजाते हैं? कलाकार को अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों का फल भुगतना ही पड़ता है विशाल। बस ज्यादा लेक्चरबाजी मत करो, जरा सा बुरा वक्त क्या आया, बीवी भी लेक्चर देने लग गई। बुरा वक्त तुम पर नहीं मुझ पर आया है विशाल, जो मुझे बच्ची को गैरों के हवाले करके नौकरी की तलाश में जाना पड़ता है। बेकार में वक्त जाया कर रही हो तुम, इस उम्र में कोई नहीं देगा तुम्हें नौकरी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो विशाल, किसी के यहाँ नौकरानी का काम भी करूंगी। अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं जीना चाहती। ठीक है भाड़ में जाओ तुम, लेकिन एक बात याद, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुना ना तो एक पल के लिए भी अपने पास नहीं रखूंगा, समझी तुम? कितना फर्क होता है, कितना फर्क होता है एक मर्द और औरत में। तुम मुझे इस तरह की धमकी दे सकते हो लेकिन मैं, हालांकि तुम्हारे बारे में मैंने इतना सुना है इतना जाना है कि मुझे तो तुम्हें कई साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि लाखों कसूर करने के बावजूद भी तुम एक मर्द हो और बेकसूर होकर भी मैं एक औरत। सर एक्सक्यूज मी। यस सर, हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बताओ क्या बात? सर हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे गुड, वेरी गुड। सर आप चलेंगे हमारे साथ? अच्छा ये बताओ कि कब जा रहे हो? सर इस संडे को। संडे? आई एम सॉरी बॉय, संडे में बहुत बिजी। सर चलिए ना, आप आएंगे तो बहुत मजा आएगा। उल्टा मजाक किरकिरा हो जाएगा। वो कैसे सर? मैं तुम्हें सिगरेट नहीं पीने दूंगा, बियर नहीं लाने दूंगा, लड़कियों से छेड़खानी नहीं करने दूंगा, सो मजा किरकिरा हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट टाइम। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। श्याम तुम बच्चों को निराश क्यों कर देते हो? निराश? उल्टा मैंने तो उनको खुश कर दिया मिश्रा जी। कमाल है, अरे चले जाते पिकनिक पे तो क्या बिगड़ता। मिस्टर लाल पिकनिक पर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन अपने जमाने में तो जरूर गया होगा। नहीं गया, बल्कि कभी जाऊंगा।
पेंडल है। अच्छा, ये तुम्हारी फोटो है। मानसी मानसी, ये बिल चेक कर लेना। अरे छोड़ ले यार, तुम मेरे पर क्या करे। ए मोना, ठीक तरह से खड़ी हो, ब्लू बर्ड और सिटिंग मॉडल हो, स्टाइल से खड़ी रहो। वेरी गुड, दैट्स इट, लेट मी सी व्हाट यू डूइंग। लाइक हर्ड इट। ए किमी, इतनी ग्लूमी क्यों लग रहे हो? हां, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? मेरी बात छोड़ यार। तो ये बता कि ये चमन ठक्कर तेरे पीछे इतना पागल क्यों हो गया? छोड़ना यार, वो मैड है। अच्छे खासे बीवी है, बच्चे हैं, हम का बाहर जाकने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू अपना उल्लू सीधा कर, टेक हिम। तुम्हारा ऐसी बात की ना तो किमी के नाम के आगे ब्लूबर्ड पब्लिसिटी के पेरोल में कमी रह जाएगी। मानसी, मेरे केबिन में आने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की कब से जरूरत पड़ने लगी? एम्प्लॉई बॉस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तो देखनी चाहिए ना। मानसी, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं हूं, फ्रेंड भी हूं। फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप ही रहने देते हैं जमन। मानसी, तुम्हें क्या हो गया है? आप भूल रहे हो बॉस, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि कान ही नहीं आंखें भी होती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूं। मैं इन सबको डिसमिस कर दूंगा। डिसमिस मुझे करो। What? अपने दिमाग से, ये सबके लिए अच्छा होगा। ब्लूबर्ड पब्लिसिटी के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए भी। मुझ में इन्वॉल्व होने से कोई फायदा नहीं होगा जमन, मैं किसी और के साथ रह रही हूं। सावी, हुँ? अगर तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो मेरे साथ चलोगी? कहाँ? मिसेज अल्मेडा के घर। मिसेज अल्मेडा, ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। हाँ, तुमने शांता बेन के मुंह से ही सुना होगा। अरे हाँ, याद आया, एक दिन एक क्रिश्चियन औरत पीछे वाले कब्रिस्तान पर आई थी अपने पति की कब्र पर फूल चढ़ाने। हाँ बस वही है मिसेज अल्मेडा। 8 साल हो गए उनके पति को गुजरे, लेकिन आज भी वो साल में एक बार कब्रिस्तान में जाती है, अपने पति की कब्र को साफ करवाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। बहुत प्यार करती होंगी ना वो अपने पति से। हाँ, लेकिन वैसे सुना है कि उनका कहीं बाहर चक्कर तो है, लेकिन फिर भी अभी तक अपने पति को भुला नहीं पा रही। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं नौकरी की तलाश में हूँ और मुझे कहीं से पता चला है कि उनके उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन मुझे वहाँ अकेले जाने में बड़ा संकोच हो रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, बस मैं शामू को इन्फॉर्म कर लूँ। ठीक है। हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर श्याम वर्मा प्लीज? जी, क्या मैं प्रोफेसर श्याम वर्मा से बात कर सकती हूँ? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। ओहो, तुम सावी बोल रही हो? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनकी कुलीग बोल रही हूँ, प्रोफेसर दलाल। तुम कैसी हो? दूसरा महीना चल रहा है ना? दूसरा महीना? आपका मतलब फेब्रुवरी? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। दूसरा महीना है। अरे भाई, जरा सावधानी बरतना, लाइट एक्सरसाइजेस और मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। इसे डिलीवरी के वक्त तकलीफ नहीं होती है? जी, वो मिस्टर श्याम, उन्हें भी ले जाना मॉर्निंग वॉक के लिए। अच्छा सुनो सावी, कुछ अच्छी अच्छी किताबें जरूर पढ़ना, जैसा रामायण, महाभारत, रामायण वाल्मीकि वाली। इससे बच्चे के मन पे अच्छे संस्कार होंगे। ठीक है, अगर प्रोफेसर श्याम वर्मा हो तो। हाँ हाँ, एक मिनट। सदु, अच्छा सुनो, हो सके तो अखबार मत पढ़ना। यस मैडम। अच्छा सुनो, प्रोफेसर श्याम से कहो कि उनका फोन है। वो क्लास में है मैडम। उनसे कहो ना कि उनकी मिसेज का फोन है। जी अच्छा। हेलो प्रोफेसर दलाल, देखिए अगर वो नहीं हो तो उनको मेरा मैसेज दे दीजिएगा। हाँ बोलो। उनसे कहिएगा कि मैं सुषमा के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। डॉक्टर के पास जा रही हूँ? अरे ऐसे छोटी छोटी
बातों के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? इन दिनों में सेहत थोड़ी कम ज्यादा हो ही जाती है। एक मिनट सावी, तुम्हारे वो आ गए, लो बात करो उनसे। हाँ बोलो सावी। हेलो श्यामू, सॉरी तुम्हें लेक्चर छोड़कर आना पड़ा। तुम्हारे लिए तो मैं नौकरी छोड़कर भी आ सकता हूँ। ओह नो। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए सुषमा के साथ बाहर जा रही हूँ। देखो सावी, अपने आप को ज्यादा एग्जर्ट मत करना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके? बस अभी अभी तो तुम्हारी वो प्रोफेसर कुलीग मुझे लेक्चर झाड़ रही थी, उतना ही काफी है। कौन लेक्चर झाड़ रहा था? पता नहीं, लेकिन दो चार बच्चों की माँ जरूर होगी वो। हाँ याद आया, प्रोफेसर दलाल। प्रोफेसर दलाल? सावी उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ओके बाय। प्रोफेसर दलाल, आई लाइक इट वेरी मच। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और आप प्रेगनेंसी के बारे में मेरी वाइफ को लेक्चर दे रहे हैं। प्रोफेसर श्याम, मैं अंडे नहीं दे सकती तो क्या हुआ, लेकिन आमलेट बनाना तो जानती हूँ ना। आइए आइए ना, आप बैठिए, मैं मैडम को बोलती हूँ कि आप लोग आए हैं। हाँ। नमस्ते। हेलो, एक साथ दो दो प्रिटी वुमेन हमारे पास क्यों आया है? जी, इन्हें आपसे कुछ काम था। जी, इनको तो मैं जानती हूँ। मेरा नाम सुषमा है। या कपल ऑफ टाइम्स आई हैव सीन यू विद एक्टर विशाल। तुम उसका सेक्रेटरी है? जी नहीं, ये उनकी वाइफ है। जी। ओह आई सी। And what about you? ये सावी है। आपने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल का नाम सुना है? बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे। Oh yes, बहुत साल पहले सुना था। पीटर के साथ हम हमेशा क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम अटेंड करते थे। पीटर? Yeah, my husband. He was very fond of music. उसको संगीत में बहुत इंटरेस्ट था। उसने तो अपना आवाज में बहुत से गाने भी कंपोज किए थे। अच्छा? Anyway, प्लीज बैठिए ना। बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? हम बीच बीच में प्योर हिंदी भी बोलता है, फॉर अ चेंज। मिसेस अल्मेडा, मैरी, मैरी बोलो, दैट विल डू। मैरी, दैट्स राइट। मैरी, मैंने सुना है कि आप महिलाओं के लिए कुछ सोशल वर्क करती हैं। रॉन्ग, महिलाएं अपने लिए सोशल वर्क करती हैं, हम तो सिर्फ उनका मदद करता है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? What do you want? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में हूँ। Any past experience? जी हाँ, ये मेरा बायोडेटा है और कुछ सर्टिफिकेट्स। Good. Gloria, I'll give you 2-3 references. वहाँ ट्राई करो। आपकी बड़ी मेहरबानी होंगी। यस मैडम। इन्हें सिल्विया के पास ले जाओ। जाओ सुषमा, अंदर मेरी सेक्रेटरी है, उसके पास बैठकर रिकमेंडेशन लेटर्स टाइप करवा लो। जी बहुत अच्छे, थैंक यू। सावी, तुम अंदर आ रही हो ना? नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ। प्लीज कम, आइए। या ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? टी और कॉफी? नो थैंक्स। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। किस बारे में? 2 महीने पहले आप हमारे घर के पीछे वाले ग्रेवयार्ड में आई थी। ओह यस, उस दिन मेरे हस्बैंड का डेथ एनिवर्सरी था। आप उन्हें बहुत चाहती थी ना? अभी भी चाहती हूँ। आई एम स्टिल इन लव विद हिम। लेकिन मैंने तो सुना है कि उन्हें गुजरे हुए 8 साल बीत चुके हैं। सो व्हाट? आदमी तो असल में तभी मरता है जब उसके चाहने वाले उसे अपने दिल से निकाल कर फेंक देते हैं। माय पीटर इज स्टिल अलाइव
हियर माय हार्ट। उसका आवाज सुनोगे? मरने से 3-4 महीने पहले उसने ये गाना कंपोज किया था अपनी आवाज में, और हम दोनों खूब नाचे थे इसी जगह पर। Moments of love, moments. Oh, could they freeze and be with us forever, ever, forever? Moments of love, moments, 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 moments of love, moments, 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 moments of love. Gone along the tides of time, they will but be here ever, forever. Moments, moments, moments of love, moments.